देखो ये है एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 22 का 2। तो क्वेश्चन नंबर 22 का 2 में है sec का पावर 6 से माइनस tan का पावर 6 से इक्वल प्रूफ करना 1 प्लस 3 tan स्क्वायर a प्लस 3 tan का पावर 4 a। यहाँ पे देखो ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के टर्म में ये वाला आ रहा है, तो हम लोग इससे पहले जो फॉर्मूला देखे थे क्या देखे थे, ए माइनस बी का होल क्यूब जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो ये 3 ए बी वाला पार्ट को इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो बचेगा क्या हम लोग का, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हो जाएगा हम लोग का ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला टर्म को इस टर्म में ब्रेक करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे sec का पावर 6 से है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a का होल क्यूब, क्योंकि 3 टू जो क्या होता है 6, तो इस 6 को ब्रेक किए हम लोग sec स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस सेम चीज tan में करेंगे तो tan स्क्वायर a का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब, यानी कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का होल क्यूब, ठीक है ये वाला पार्ट लिख दिए। नेक्स्ट प्लस 3 ए बी, 3 इंटू ए का वैल्यू क्या था हम लोग का sec स्क्वायर a, तो 3 sec स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस बी मतलब कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है यहां तक क्लियर है। अब यहां पे देखो sec स्क्वायर थीटा, इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, ठीक है और 1 का क्यूब होता है 1, तो यहां पे सिंपली हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 3 sec स्क्वायर a tan स्क्वायर a, सेम चीज यहां पे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो अब ये टर्म बचा क्या हम लोग का, 1 का क्यूब होता है 1, तो 1 प्लस 3 sec स्क्वायर a tan स्क्वायर a। अब यहां पे देखो जो प्रूफ करना है सारा कुछ tan में है, तो हम लोग क्या करेंगे ये जो sec है इसको कन्वर्ट कर देंगे tan के टर्म में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर a ब्रैकेट में tan स्क्वायर a, ठीक है। अब यहां पे देखो ये चीज, इसका नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 1 प्लस 3 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है तो आ जाएगा, या फिर इसको हम लोग इस वे से देख सकते हैं, ये जो tan स्क्वायर है पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस ये tan स्क्वायर फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा tan का पावर 4a। यहां पे हम tan को पहले मल्टीप्लाई कर दिए, 3 को मल्टीप्लाई नहीं किए, अब 3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ये 3 पहला टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 3 tan स्क्वायर a प्लस ये 3 फिर इससे होगा तो क्या आएगा 3 tan का पावर 4a, जो कि है हम लोग का RHS। तो LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 22 का 2 है।